शादियाँ रे आजे जमाझम बथावन शादिया रे आजे जमाजम ऐलो मुबारक ऐलो सलामत ऐलो मुबारक ऐलो सलामत शादिया रे आजे सब सखियन का पिया प्यारा सब सखियन का पिया प्यारा सब हृदय में उगते हैं, सुख के गीत उमंग के जोर से जन्म लेते हैं, दुख के गीत खोलते हुए लहू से पनपते हैं और आंसुओं के साथ बनते हैं। हृदय और संस्कारों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। संस्कार संस्कृति के पोषक होते हैं। संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। लोक का चिंतन, जीवन दर्शन, परंपराओं की झलक, मानवीय संबंधों, रिश्तों की मिठास और पीढ़ी दर पीढ़ी लोक साहित्य में सुरक्षित रहकर संस्कारों की छटा से संस्कृति के रूप और रंग को निखारते रहते हैं। लोक गीत, लोक कथाएं या लोक गाथाएं हमें किसी क्षेत्र विशेष की सभ्यता और संस्कृति से साक्षात्कार कराते हैं। उनमें लोक बोलता है, पात्रों और चरित्रों के माध्यम से लोक मानस को वाणी मिलती है, लोक की सोच का पता लगता है। रामपुर के मुस्लिम परिवारों में शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में भी लोक का चिंतन, परंपराएं और रिश्तों का अपनापन झलकता है। क्या छोड़ कर अपने
चली आज रोती हुई एक सुहागन चली। दुल्हन बन के ससुराल को जा रही है, जुदाई तेरी सब तड़पा रही है। गजब है के बाबुल का घर छूट रहा, रुखसत के मौके पर रोती हुई दुल्हन अब दूल्हे के संग होती है। दूल्हे के घर वाले लोग नई नवेली रोती हुई दुल्हन की मोहब्बत के साथ हौसला अफजाई करते हैं। हूबहू चांद का टुकड़ा है हमारी दुल्हन, हूबहू चांद का टुकड़ा है हमारी दुल्हन। देख लो रौनक महफिल है हमारी दुल्हन, देख लो रौनक महफिल है हमारी दुल्हन। हूबहू चांद का टुकड़ा है हमारी दुल्हन। शादी के रोज मुनासिब नहीं रोना प्यारी, शादी के रोज मुनासिब नहीं रोना प्यारी। वही मिलवा दूंगा हम जोलियां सारी दुल्हन, वही मिलवा दूंगा हम जोलियां सारी दुल्हन। हूबहू चांद का टुकड़ा है हमारी दुल्हन। साथ मेरे ही चलो छोड़ दो माँ बाप का घर, साथ मेरे ही चलो छोड़ दो माँ बाप का घर। कब से ड्योड़ी पे खड़ा हूँ मैं तुम्हारी दुल्हन, कब से ड्योड़ी पे खड़ा हूँ मैं तुम्हारी दुल्हन। हूबहू चांद का टुकड़ा है हमारी दुल्हन। दुल्हन रुखसत होकर ससुराल आ जाती है। सहेलियां चौबारा छोड़ ससुराल के आंगन की रौनक बन जाती है दुल्हन। मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार हर कोई दुल्हन को देखना चाहता है। मुंह दिखाई की रस्म होती है। जो भी दुल्हन को पहली बार देखता है शगुन के तौर पर कुछ न कुछ देता है, पैसा नकदी जेवर कुछ भी हो। थकी हारी दुल्हन उकड़ू बनी भारी जोड़े में लिपटी बैठी रहती है। जो भी शगुन देता है सबको सलाम करती है। ससुराल आकर पहले पहल दुल्हन को खीर खिलाई जाती है। ससुराल में जब लड़की पहुंचती है तो बहन भांजियां खड़ी हो जाती हैं कि हम दुल्हन को नहीं घुसने देंगे, पहले हक दो हमें। फिर दूल्हा हक देता है, घरवाले देते हैं, उसके बाद में उसको लाकर जमीन पर बिठा दिया जाता है। फर्श बिठा के दुल्हन बैठ जाती है। अब उसके बाद में दूल्हा को लाकर बिठाया जाता है और फिर दुल्हन की हथेली पर रखी जाती है। दूल्हा से कहा जाता है कि चाटो,
दूल्हा चाटता है, 7 मरतबा चटाते हैं। उसके बाद में दूल्हा उंगली से एक खीर जरा सी लेकर और उसके मुंह में दुल्हन के दे देता है। खीर चटाई से पहले जब दुल्हन को रुख्सत करके लाकर बैठाया जाता है तो मिलकर लड़कियाँ बालियाँ गाती हैं दूल्हा के लिए, बना जीत लाया रे ससुराल गलियाँ, बना जीत लाया रे ससुराल गलियाँ, बने की मैया अनार कलियाँ, बने की बहने अनार कलियाँ, बना जीत लाया रे ससुराल गलियाँ। खीर चटाई की रस्म भी एक पारंपरिक शगुन की रस्म है। नए घर में दुल्हन का स्वागत भी मीठे से है और पहली बार ससुराल में खाने पीने की शुरुआत भी खीर चटाई के साथ हो जाती है। इसके बाद होती है कंगन खेलने की रस्म। ये रस्म वाकई बहुत खूबसूरत रस्म है। रामपुर के मुस्लिम परिवारों में भी इस रस्म की अदायगी होती है जो कि हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा है। शादी की शुरुआती रस्मों के बीच जब दूल्हा मांझे बैठता है तब दूल्हा की बहनें उसके हाथ में कंगना बांधती हैं। उधर दुल्हन भी जब मांझे बैठती है तब उसके हाथ में भी कलावे से बना सुंदर कंगना बंधा होता है। दोनों के हाथों का कंगना दुल्हन की रुखसती के बाद ससुराल में खोला जाता है। पहले दोनों कंगना खेलते हैं। खेलो 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 बन रे बनी खेलो, खेलो 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 बन रे बनी खेलो, भयो सुफल कंगना, भयो सुफल कंगना, खेलो 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 बन रे बनी खेलो, खेलो 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 बन रे बनी खेलो, भयो सुफल कंगना, भयो सुफल कंगना। थाली जल बिच गोरी बहिए, जोरा जोरी करे भोली सखिए, बंधन दोरे तने लहरा के बेले बने, खिले कंवल कंगना, खिले कंवल कंगना। खेलो 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 बन रे बनी खेलो, भयो सुफल कंगना, भयो सुफल कंगना। सब सतसंगी रंग रचाए, सब सतसंगी रंग रचाए, रजा पिया संग सागर गाए, रजा पिया संग सागर गाए, चौमुख कल्याण सुनाए नित नई ताल बजाए, चौमुख कल्याण सुनाए नित नई ताल बजाए, रचे पल पल कंगना,
नचे पल पल कंगना। खेलो 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 बन रे बनी खेलो, खेलो 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 बन रे बनी खेलो भयो सफल कंगना। कंगना खेलने की ये रस्म अधिकतर हर आम खास मुस्लिम परिवारों में होती है। दुल्हा दुल्हन कंगना खेलते हैं और सब घर के लोग इर्द गिर्द जमा होकर हंसी मजाक करते हैं, हंसते बोलते हैं। लोक संस्कृति वास्तव में क्षेत्रीय हुआ करती है, किंतु मांगलिक दृष्टि से पूरे देश में चाहे कितनी भी विविधता हो, किंतु उनके लोक जीवन में मूलभूत एकता है। यही कारण है कि शादी ब्याह की अनेक रस्में रीति रिवाज ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में एक से हैं। कंगना खेलने का रिवाज भी दोनों ही परिवारों में मिलता है। कंगना खेलना के साथ साथ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथों में बंधा कंगना खोलते हैं। पानी भरी थाली में ही कंगना खोला जाता है। खोलो लीला लोचन चल कंगना, खोलो लीला लोचन चल कंगना, दूल्हा कर बीच खाए बल कंगना, खोलो लीला डोचन चल कंगना, खोलो लीला डोचन चल कंगना, दूल्हा कर बीच खाए बल कंगना, गीतों में जितने सुंदर भाव हैं उतने सुंदर बोल हैं। बोलों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम जबान का कोई फर्क नहीं मिलता। रामपुर के मुस्लिम परिवारों में गाए जाने वाले इन लोक गीतों में कहीं भी हिंदी उर्दू भाषा का अंतर नहीं मिलता है। हिंदुस्तानी मिलीजुली भाषा का स्वरूप शादी ब्याह के मौके में गाए जाने वाले इन लोक गीतों में झलकता है। मची है धूम शादी की शहर में, जिसकी शादी है मची है धूम शादी की शहर में, किसकी शादी है कहो दूल्हा के बाबा से शहर में, कहो दूल्हा के बहनोयों
फरमाया मेरे साले की शादी है। उन्होंने हंस के फरमाया मेरे साले की शादी है। मची है धूम शादी की शहर में, किसकी शादी है। इस प्रकार रामपुर के मुस्लिम घरों में शादी की तमाम रस्मों रीति रिवाजों के बाद रुखसती होती है दुल्हन की। दुल्हन अपने नए घर ससुराल आ जाती है, जहां खीर चटाई और कंगने की रस्म होती है। शादियां रे आज है जमाझम, ऐलो मुबारक ऐलो सलामत, ऐलो मुबारक ऐलो सलामत, शादियाँ रे आज है जमाजम।